हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हाउ आर यू? सब अपने हाउस में रहो, हैंड्स वॉश करो बार बार, ठीक है? और बाहर नहीं जाना है विदाउट एनी रीजन। आप बहुत अच्छे से अपना वर्क सेंड कर रहे हो, वेरी गुड, वेल डन। आज हम क्या करेंगे? आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? बट बिफोर दैट लेट अस सी आज क्या डेट है। आज है 28 जुलाई 2020 और डे क्या है? ट्यूजडे, TUESDAY, ट्यूजडे। बोलो मेरे साथ आप एक बार, TUESDAY, ट्यूजडे, वेरी गुड। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज कैरी फॉरवर्ड। अभी हम एडिशन कर रहे हैं, हमने सिंगल डिजिट एडिशन किया, डबल डिजिट एडिशन किया, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं जो होता है कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ गए हैं, तो इतने नंबर्स हम अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो उनको हमें आगे भेजना पड़ेगा, दूसरी लाइन में भेजना पड़ेगा, ठीक है? आपके पास सिर्फ 9 चॉकलेट्स रखने के लिए ही बॉक्स है, लेकिन आपको 20 चॉकलेट्स मिल गई, तो आप क्या करोगे? खा जाओगे? नहीं, खा नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? उसको आगे आपको देना पड़ेगा, अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, आपको उसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? वो सिर्फ 10 ही चॉकलेट्स रख सकते हैं, तो वो भी आगे किसी और को दे देंगे। तो हम अपने पास जितना हमारे पास सामान रखने के लिए जगह है उतना ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, उसको हमें आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। लेकिन एडिशन में ये कैसे होता है, चलो चेक करते हैं। अभी हमने टेंस एंड वंस किया, मैंने आपको बताया था एक टेंस की रो होती है, एक वंस की लाइन होती है। तो हमारे पास वंस में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स तक ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम 2 + 3, 5 करते हैं, 1 + 4, 5 कर लिया, 4 + 5, 9 कर लिया, तो जब तक हमारा प्लस 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 करके आंसर 9 तक आता है तो हम इसी साइड में लिख सकते हैं। लेकिन जब हमारा आंसर आएगा 10, 5 + 5, 10, 3 + 7, 10, 8 + 9, 17, तो ऐसे जब हमारे पास 9 से ज़्यादा आंसर आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टेंस की लाइन में उसको पास करना पड़ेगा। जितने हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे उन सबको हम पास करेंगे टेंस की लाइन में, ठीक है? कैसे करते हैं, आओ ये देखते हैं। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, टी फॉर टेंस, ओ फॉर वंस, ठीक है? 25 + 15। अब हम ये कैसे करेंगे? अभी आप मेरे को बताओ, पहले हम कौन सी साइड ऐड करेंगे? वंस की साइड को ऐड करेंगे, ठीक है? 5 + 5 कितना होता है? वेरी नाइस, 10। तो हम 10 यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं ऐसे करके 10? नो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 9 नंबर तक ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं वंस की साइड पे। जैसे वो 10, 11, 12 यहाँ पे टोटल आता है हमारा आंसर, तो हम उसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे ये 1, 0, 10 आ गया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 लिख सकते हैं, ठीक है? सिर्फ हम 0 को ही यहाँ पे डाल सकते हैं। ये जो 1 है इसको हमने क्या करना है? इसको हमको पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंस की लाइन का नंबर है। तो इसको हम कहाँ पास करेंगे? टेंस में ये जो बॉक्स बनाया है मैंने सबसे ऊपर, उसमें लिखेंगे हम 1। तो ये क्या हो गया? 1, 0, 10, ऑल राइट। और फिर बाद में क्या करना है हमने? बाद में हमने इन तीनों नंबर्स को प्लस कर देना है। 2 + 1, 3, और 3 + 1, 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4, 0, 40। तो हम 25 को में 15 ऐड करते हैं, हमारा आंसर आता है 4, 0, 40। ओके, एक और सम करते हैं, दूसरा सम भी हम कैरी फॉरवर्ड का करेंगे। हमको नंबर्स जो है आगे पास करने पड़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है 34 + 17, ओके? तो कैसे करेंगे हम? पहले कौन सी साइड ऐड कर रहे हैं हम?
वंस की साइड. वंडरफुल. पहले हम इस साइड को ऐड करेंगे वंस की साइड को. 4 प्लस 7 कितना होता है? करेक्ट, 7 के बाद, 4 के बाद में हमने कितनी फिंगर्स ओपन करनी है? वंडरफुल, 7 फिंगर्स ओपन करी. तो काउंट करो 4 के बाद में, 5 6 7 8 9 10 11. तो अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे हम 11 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है. हम 11 का सिर्फ एक ही वन यहाँ पे लिख सकते हैं. दूसरा वन हमारा कहाँ जाने वाला है? यहाँ पे 1 1 11 होता है ना, तो एक जो वन है वो हमारा टेंस की साइड में आ गया. तो अभी ये क्या नंबर बन गया हमारा? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5. सो हमारा आंसर क्या आया? 34 प्लस 17 51. ओके, अभी आप ये देखो कैसे किया है. आपको मैं इसकी एक्सरसाइज सेंड करूंगी, वर्कशीट सेंड करूंगी. क्लास में भी हमने ये किया है. आप उस धीरे धीरे अच्छे से समझ के सॉल्व करो, वीडियो देखो आप. और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है, डिफिकल्टी हो रही है, तो हम क्लास में दोबारा करेंगे. ओके, बाय.